Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही बिना सरकार के समय देश कैसा नजर आ रहा है, हिंसा की तस्वीर बता रही है। बांग्लादेश की सेना ने ऐलान कर दिया कि वो अब देश को चलाने वाले हैं। बांग्लादेश में जो भी होगा वो सेना की जिम्मेदारी होगी। हालांकि बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी, लेकिन अब बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ जिसने सेना की ताकत का अंदाजा दुनिया को लगा दिया है। अभी बांग्लादेश में नई सरकार बनी भी नहीं और बांग्लादेश की सेना ने राजनयिक फैसले लेने शुरू कर दिए। सबसे पहला फैसला बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार के बनाने को लेकर लिया और इसके साथ ही अगला फैसला पाकिस्तान को लेकर के था। भारत की समर्थक के रूप में जाने जाने वाली शेख हसीना इस समय भारत में है और पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश की सेना का रुख सबके समझ से परे। दरअसल बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए एक नए उच्चायुक्त की नियुक्ति कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट आर्च टीवी की वेबसाइट पर बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने देश में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इकबाल हुसैन के नामांकन को स्वीकार कर लिया है। बता दें, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और इसी प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए राजनयिक इकबाल हुसैन पाकिस्तान में बांग्लादेशी उच्चायुक्त मोहम्मद रूहुल आलम सिद्दीकी का स्थान लेने वाले हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बांग्लादेश में अभी कोई सरकार नहीं है। बिना सरकार के ही ये फैसला किसने लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की सेना इस समय बड़े बड़े फैसले ले रही है, सरकार बना रही है। शेख हसीना देश छोड़ चुकी है और उनके इस्तीफा देने के साथ ही बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल बन गया। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की बागडोर नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनिस को दी गई है। हालांकि उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली, कोई सरकार नहीं बनी और इसके बिना ही बड़े फैसले हो रहे हैं। हालांकि एक संभावना जरूर बन रही है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने चुपके से देश को चलाना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा है तो मतलब साफ है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जो भी हो, पाकिस्तान की तरह सत्ता की बागडोर बांग्लादेश की सेना के हाथ में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।